देश में न जाने कितने ही लोग न्याय के इंतजार में हैं, क्योंकि न्यायालय में मामले लंबित पड़े हुए हैं, जिस वजह से हमेशा न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं कि हमारे देश की न्याय व्यवस्था धीमी है। न्यायालय में जनता न्याय की उम्मीद लेकर जाती है, लेकिन वहां सुनवाई में देरी के चलते न्याय भी मिलने में देर होती है। इस सभी के पीछे का क्या कारण है, ये समझना बेहद जरूरी है, जिसको लेकर अब केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय की ओर से एक बयान जारी किया गया है। देश में न जाने कितने लोग न्याय के इंतजार में अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। न्यायालयों में फाइलों के जत्थे पड़े हैं, लेकिन उन पर सुनवाई लटकी रहती है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भी पेंडिंग केसों को लेकर चिंता जाहिर की थी, खासतौर पर ऐसे केस जो 20 से 25 साल पुराने थे। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों है, क्यों लोगों के मामलों की जल्दी सुनवाई नहीं हो पाती। अब इस मामले पर केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय का चौंकाने वाला बयान सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि देश के हाई कोर्टों में न्यायाधीशों के कई पद खाली पड़े हैं। कोर्ट में कमरे भी हैं, न्यायाधीशों की कुर्सियां भी हैं, लेकिन उन पर बैठने वाले लोग नहीं हैं। कई कोर्ट रूम में तो जज के ना होने के चलते ताला लगा हुआ है। ऐसे में सुनवाई प्रभावित होगी, ये भी तय है। काम ज्यादा है, लोग कम, इसीलिए न्यायालय में मामलों की सुनवाई जल्दी नहीं हो पाती। बयान के मुताबिक इलाहाबाद हाई कोर्ट 66 रिक्तियों के साथ सूची में सबसे ऊपर है। कलकत्ता हाई कोर्ट में न्यायाधीशों के 41 पद खाली हैं और वो दूसरे नंबर पर है। इतना ही नहीं, इस साल अप्रैल से कलकत्ता उच्च न्यायालय में कोई स्थायी मुख्य न्यायाधीश नहीं है। मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि देश भर में कुल मिलाकर 453 रिक्तियां हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय में 71 पदों की स्वीकृत शक्ति है, लेकिन केवल 31 न्यायाधीश पोजीशन में है। दूसरी ओर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 160 न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या है, जहां 94 न्यायाधीश कार्यरत हैं, जबकि 66 पद अभी भरे जाने बाकी हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय में 57.4% वैकेंसी है, जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में 48.2% वैकेंसी है। जबकि इस पूरे मसले पर केंद्रीय कानून मंत्री का कहना है कि पदों को भरने के प्रयास तेजी से किए जा रहे हैं। डीवी लाइव की रिपोर्ट।